हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एमजीआर नगर जाफर खान पेट और यहां पे हमारे कस्टमर श्री संजय जी ने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है जो कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है और वो उससे जो है घर और दुकान में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं संजय जी की दुकान है ऑटो पार्ट्स की और यहाँ पे संजय जी जो है अपना काम करते हैं। ये जो लाइट जल रही है, जो पंखे चल रहे हैं, ये सब जो है सोलर से चल रहा है। आइए हम आपको और भी चीजें दिखाते हैं। संजय जी वणक्कम। हाय वणक्कम। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे संजय जी ने 375 वॉट के 3 पैनल लगाए हैं। ये तीनों मोनोक्रिस्टलाइन पैनल हैं और ये देखिए आप पीछे देख सकते हैं, ये एक और स्टैंड इन्होंने पीछे बना रखा है जिसपे कि ये आगे भविष्य में और पैनल लगाने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं संजय जी। दोस्तों यहाँ पे मैंने भाषा की एक थोड़ी सी समस्या महसूस की है क्योंकि यहाँ पे लोगों को अधिकतर तमिल और इंग्लिश ही आता है और हिंदी यहाँ पे थोड़ा कम आती है, तो उसके लिए हमारे साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर श्री बालकृष्ण जी हैं जो कि ट्रांसलेट करेंगे। मैं संजय जी से जो क्वेश्चन करूंगा प्रॉब्ली उनको समझ में ना आए तो बालकृष्ण जी उनको पूछेंगे। सर सोलर की जरूरत क्या पड़ता है, எதுக்காக போட்டீங்க? இல்ல அதிகமா ஒருநாள் போட்டது। ईबीबी का बिल ज्यादा हो रहा है इस करके डाला हुआ है। जो इनका लोकल डिस्कॉम है उसका बिल ज्यादा आ रहा था इसलिए इनको सोलर लगाने की जरूरत पड़ी है। सर कितना बिल आता था आपका, व्हाट वाज द यूनिट? டெய்லி எனக்கு ஒரு 7-8 யூனிட் தேவைப்படுது கமர்ஷியல் ஷாப்புக்கு, ஸோ அதனால் சோலார் போட்டிருக்கேன். தோ தோஸ்தோ யஹாம் பே சஞ்சய் ஜி கா கஹனா ஹை கி டெய்லி இன்கா 7-8 யூனிட் ஜோ ஹை கன்ஸம்ப்ஷன் ஹை. தோ சார்ஜஸ் கிட்னா சார், சார்ஜஸ் எவ்வளோ சார் வந்துட்டு இருந்தது பில்லு? 2 மந்த்துக்கு எனக்கு 4-5 தௌசண்ட். तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 2 महीने का बिल जो है 4-5 हज़ार रुपये इनका आ रहा था इसलिए इन्होंने सोलर पे शिफ्ट होने का निर्णय लिया। तो दोस्तों हम संजय जी से जानना चाहेंगे कि सोलर लगाने के बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं? सोलर वंदा पर केवड़े सर इप्पा बेस्टा इरुक्कु। इप्पा पाथीना सम्मरன்றால அடிக்கடி பவர் கட் இருக்கு, அந்த பிராப்ளமே இல்ல. இந்த ஏரியா ஃபுல்லா கரண்ட் இல்லனாலும் என்னோட வீட்டுக்கும் கடைக்கும் கரண்ட் எப்பயுமே இருக்கு. என்னன்னு बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, सोलर तो फ्रिक्वेंटली डे टाइम में पावर कट शट ऑन है, उस टाइम ये मैनेज कर लेता है, इनको फील नहीं हो रहा है जैसे करंट चला गया, ऐसे बोल रहे हैं। टोटल एंड कड़ा फुल பாத்தீங்கனா சிஸ்டம் சிசிடிவி அப்புறம் ரெண்டு ஃபேன் டியூப்லைட் ஒரு 8 டியூப்லைட் another printer 2 printer கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே இருக்கு. இன்னும் जो बोल रहे हैं ट्यूबलाइट चल रहा है, फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है और सिस्टम चल रहा है और प्रिंटर है, ये सब कुछ सोलर में ही चल रहा है। टू व्हीलर बैटरी के लिए चार्ज भी कर रहा है इसी से। तो दोस्तों हम संजय जी से जानना चाहेंगे कि इन फ्यूचर इनके क्या प्लान्स हैं सोलर को लेके? फ्यूचर इलेक्ट्रिक बाइक हो रही है, बाइक बुक पड़ी रखें ஏதர் இன்னொரு 1 வீக்ல வந்துரும், அதையும் இதல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ये बोल रहे हैं जी इन्होंने जो फ्यूचर में बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, जरूर बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद इन्होंने बाइक ले रहे हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक है, ईवी ले रहे हैं, उसके बाद उसमें वो भी इसी में चार्ज करने के लिए सोच रहे हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सोलर से ही बैटरी भी गाड़ी भी चार्ज कर लेंगे, स्कूटर भी उसी से चला लेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे टेम्परेचर जो है 31-32 डिग्री टेम्परेचर है, धूप काफ़ी है और इस धूप के मौसम में सर बताएंगे कि ये कितने एम्पियर जनरेट कर रहे हैं? सर अभी देखो 14 एम्पियर जनरेट कर रहा है सारे सब कुछ, MPPT टेक्नोलॉजी में इन्वर्टर की लगा हुए हैं। कम से कम अभी इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट करेंगे तो 650 वाट्स अंदर आ रहा है। इसमें से ऐसे आया था तो हमको एक दिन में 5 यूनिट तक मिलने के लिए चांसेस है, बट यूसेज के हिसाब से चेंज वेरी हो जाता है। एक्चुअली इन्होंने जो कस्टमर ने अभी यूज़ कर रहे हैं इसके लोड के हिसाब से इनके रोज डेली इनके 3 यूनिट मिल जाता है, 3 से ऊपर ही मिलता है, जो डे टाइम है वो बचा रहे हैं। आगे इन्होंने बढ़ने के बाद कम से कम 10 यूनिट तक बचा सकते हैं। 2 बैटरी पैरेलल लगा हुआ है, 2 बैटरी सीरीज में है, 24 वोल्ट सिस्टम है। अभी इसमें इनपुट देखो, चेक करो,
ये देख लो पीवी का एम्स है, बढ़ते जा रहा है, कभी कभी आता है। हाँ, सोलर पैनल के एम्स देखो इधर 16 एम्स तक आ रहा है, बढ़ रहा है। और वोल्टेज है 37 वोल्टेज, इसके हिसाब से इनके 600 तकरीबन आ रहा है सोलर पैनल से। इसलिए हमने चार बैटरी लगाए हुए हैं। डे टाइम में यूसेज है कम है, नाइट टाइम यूसेज ज़्यादा होगा, इसी करके इसमें स्टोरेज ज़्यादा लगा हुआ है हमने। उस टाइम मैंने पहले MPPT नहीं लगाया था, उस टाइम PWM इन्वर्टर लगाया था, उसमें इसमें डिस्प्ले नहीं है। इसको देखने के लिए, मेजर करने के लिए इन्होंने एम्स मीटर लगाया था और कितना वोल्टेज मीटर लगाया था, ये पहले की है ये सेटअप। उसके बाद इन्होंने बाद में ये चेंज कर लिया MPPT इन्वर्टर। ये MPPT इन्वर्टर लगा दे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी पहले से ये लगा हुआ है। तो संजय जी, आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ஃப்யூச்சர் வந்து சோலார் தான், நான் எனக்கு 100% ஓகே. ஈபி பில் சேவ், அது இல்லாமல் கரண்ட் நோ கட் ஆஃப் பெனிஃபிட் தான். ஆனால் இதை பார்த்து இன்னும் நிறைய பேர் மக்கள் போடணும், போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ संजय जी, जिनका कि ऑटो पार्ट्स का काम है और बढ़ते हुए बिलों से परेशान होकर इन्होंने जो है सोलर पे शिफ्ट होने का निर्णय लिया और भविष्य में ये और भी सोलर पैनल लगाने वाले हैं। इनफैक्ट ये 3 किलोवाट तक जाने वाले हैं और इनका कहना है कि भविष्य जो है सोलर पे ही निर्भर करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई विचार है तो फिर इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।